शेक में शेन शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एकदम से सडनली तीन से चार खिलाड़ी उनके पास यहाँ पर आ जाएंगे और कंप्लीट सोल अभी के लिए संपाउंड की तरफ मुझे आते हुए नजर काट कर सबसे पहले व्हीकल से नॉकआउट करेंगे फिर फिनिश ऑफ भी कर जाएंगे। एक एडिशनल यहाँ पर फिनिश पॉइंट मिलता हुआ ऑन द रैंप बात करें यहाँ पे इन्होंने लेके आगे आ चुके हैं। ऐसे के पास एक बेहतरीन मौका था कि ये थर्ड पार्टी को काम कर पाए लेकिन उतरने से पहले इतना ज्यादा डैमेज डील किया गया है कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे टीम गॉड लाइक को ये फाइट को निकाल के लेके जाए। इसके बाद हाउस की तरफ ये फाइट हो रही है मोलोटॉव से भी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश बट स्टिल प्रधान करके क्या गया है प्रधान उनकी लोकेशन बता के गए हैं कि दो से तीन खिलाड़ी उनके पास थे तो बिल्कुल उसका अंजाम भी देखने को मिलेगा। एनयू का कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा। नियो का कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। जोनाथन को वहां पर नॉकआउट कर दिए गए। जी गॉड क्या यहाँ पर बच पाएंगे? जी हाँ बचने में कामयाब मिली बट एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे इस फाइट के दौरान इस बान हाउस के दौरान मुझे देखने को मिल रहा है। पर आप देखेंगे तो स्क्रीन में बिल्कुल टीम नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे दो खिलाड़ी बाहर घूम रहे इतना है वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। सी गॉड प्री फायर ये देखिए कई एक स्ट्रेंथ रहती है जब आपको अंदाजा ना हो ना कि उस जगह पे उनका कवर मिला टीम गॉड लाइक को वो बहुत ही सुपीरियर है वो काफी बेस्ट है। और ये देखिए एस टेक को ग्रेनेड करके एक ही ओपी को तो बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया ऊपर। और ये देखिए फाइनल कंफर्मेशन भी आता हुआ लेकिन इस फाइट के दौरान गाइस पैरा दोबारा बन चुका है एंड स्काउट एंड मॉर्टल यही दोनों आखिरी खिलाड़ी है जो कि बचे हुए हैं जो कि सोल की आखिरी उम्मीद है इस मैच के ऊपर। 8 टीम्स 25 खिलाड़ी बचे हुए वाइपर एंड रेगल टॉस कहां पे यहां पे डाउन हुए हैं वो संभल के रहना पड़ेगा। स्काउट के ऊपर यहां पे ग्रेनेड आने वाला है थोड़ा सा डैमेज जरूर डील करेंगे। नॉट इवन वॉट के पास यहां पे एक एंगल बन सकता है अगर स्पॉट करते हैं स्काउट को एलिमिनेट किया जाएगा। रेगल टॉस को यहां पे सक्सेसफुल रिवाइव दिया जाता है मॉर्टल के ऊपर एंड जैसे कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके रेगल टॉस भी हिलअप हो जाएंगे। वाइपर कहां पे डाउन हुए मैं देखना चाहूंगा वाइपर को भी रिवाइव दिया जा रहा है। दिस इज अ रियली रियली बिग अपॉर्चुनिटी जो अभी सोल को मिला है इस फाइट में कैपिटलाइज करने का। कंपाउंड कवर है सारे के सारे खिलाड़ी लो ग्राउंड पे रहे हमारे गेम जो क्या लगता है आपको क्या यहां पर टीम सोल लेके जा पाएगी अपने पहला विनर मैच के अंदर? देखिए उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल फाइट एट द सेम टाइम हमें देखने को मिल रही है और कीपर भी कुछ भी हो सकता है किसी भी समय यहां पर हो सकता है क्योंकि गेम काफी अनिश्चितताओं का है। हम ये चीज बोलते रहते हैं बार बार स्टार टीम्स यहां पर बचा की और बहुत ही रेयर हमें सिनेरियो देखने को मिलता है कि जो हमारा एंड सर्कल है ना बिल्कुल कंपाउंड को फेवर करे। एनिग्मा भी की तरफ से एक वेल क्यूब क्लियर यहां पर आता है नॉकआउट कर देते हैं वहां पर वाइपर को और जितना भी हो सके वाइपर को फिर से रिवाइव अगर मिल जाता तो बेस्ट है क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार नॉकआउट हो चुके हैं और बार बार रिवाइवल अगर बार बार नॉकआउट होते रहे। सर्कल शिफ्ट हो चुका है बाहर की तरफ गेम्स जो किसके पास गया है सर्कल टीम आईएनडी के पास। आईएनडी मिरामार में विनर मिले चिकन डिनर के पास अगर इस मैच में भी चिकन डिनर लेके जाते हैं आई कैन होल हार्टेडली से कि वो टॉप 3 फिनिशेस ना सकते हैं। मॉर्टल रेगल टॉस स्काउट एंड वाइपर चारों खिलाड़ी बचे हुए लेकिन जोन का जो रुख है ना वो जा चुका है अगेंस्ट में। आईएनडी स्नैक्स यहाँ पे रिवाइव दे रहे अपने टीममेट को वो बचे हुए हैं आईएनडी की तरफ से भी चारों खिलाड़ी हैं। गेम्स जो मुझे एक यहाँ पे कहना पड़ेगा कि शायद एंड सर्कल जो फाइट होगा अगर यहाँ पे एक इंटेंस फाइट देखने का मौका मिलता है बहुत ही आइकॉनिक लेवल का परफॉर्मेंस होगा लेकिन यहाँ पे मॉर्टल हो चुके हैं नॉकआउट एंड आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं सोल कुछ ही सेकंड्स के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर जहां पर चारों खिलाड़ी अलाइव थे तीन मुझे यहाँ पे नॉकआउट दिख रहे हैं। बैठे हुए हैं अभी भी ग्रास में लेटे हुए चारों के चारों खिलाड़ी बट स्टिल टीम सोल को वहां पर बेनिफिट मिला वहां स्लैमिंग करने का भी काफी देर तक वो सर्वाइवल उन्होंने पॉइंट वहां पर अर्जित करे बट अभी के लिए चलते हैं टीम गॉड लाइक के पास। बिल्कुल सदर वेस्टर्न साइड की तरफ बैठ रखे थे काफी शांति से आगे बढ़ रहे थे बट अब वो जो काफी देर से वो जो शांत है ना अब उनको हटना पड़ेगा अब थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सामने अगर बात करें कौन कौन सी टीम यहाँ पर अलाइव है तो टीम गॉड लाइक है टीम एनिग्मा भी यहाँ पर लाइव आपको नजर आएगी और टीम आईएनडी और साथ साथ टीम एफएलएस काफी फैन फेवरेट सीन्स आपके सामने अभी के लिए जिंदा यहाँ पर नजर आ रही है हमें। बिल्कुल चार टीम्स एंड एक चिकन डिनर कौन लेके जाने वाला है इस मैप पे चिकन डिनर? वेल पोजीशन तो 45 है दलजीत का लेकिन अगर एक ग्रेनेड यहाँ पे आके गिरता है ना तो उनको बचा नहीं सकता कोई भी। वीरू के पास यहाँ पे दो फर्स्ट एड जाने वाला है हील उनको करना पड़ेगा बूस्टर्स उनके पास है लेकिन टाइम नहीं रहेगा। रे 3D यहाँ पे ग्रेनेड टॉस करते हैं कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे शैक के अंदर टॉस कर पाए दलजीत को फ्लश आउट करना है
पोजीशन से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पा रहे वो फ्लश आउट। दलजीत यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कहां से ग्रेनेड आया है स्पॉट करने का। वीरू के पास तीन फर्स्ट एड्स और मिल चुके हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हीलअप करने की, लेकिन जोन डैमेज आई बिलीव उनके पास उनका टाइम नहीं रहेगा। वीरू को आगे बढ़ना पड़ेगा, दलजीत को स्पॉट करते हैं, दलजीत को नॉकआउट करते हैं। टीम आईएनजी का ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, अभी के लिए एक 1v2v4 फाइट में यहाँ पे एंगेज करना पड़ेगा। 11 फिनिशेस फ्रॉम FILS E-Sports। बहुत ही मच नीडेड ये चाहिए था, पिछले गेम से उन्होंने दर्शा दिया कि वो वापसी करते नजर आएंगे, एंड जब मैच फेवर कर रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका ऊपर उठना ही था, एंड अभी के लिए उन्होंने 11 फिनिश। बट ये एक टीम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है और उनका नाम है टीम INT। और अगर फिनिश की अगर बात करूं, काफी 16 फिनिश ये निकाल चुके हैं, तो क्या फिर से एक चिकन डिनर, क्या वो 15 प्लस फिनिश के साथ चिकन डिनर रहेगा। बट उससे पहले आप ये देखिए एक ट्रिपल एंगल कैम। Well, Sky Sports Production OP, बस यही कहना चाहेंगे हम, एंड चलेंगे सीधा मैच के ऊपर। स्नैक्स को स्पॉट आउट किया गया है, नॉटी और वॉट को यहाँ पे नॉक आउट किया जाएगा, संभल के रहना पड़ेगा। स्नैक्स यहाँ पे स्पॉट यू नो करते ही यहाँ पे नॉकआउट करेंगे, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्लच गॉड बचे हुए हैं। हमें पता है ये खिलाड़ी कितना ज्यादा खतरनाक खेल दिखाते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को चाहिए गॉड लाइफ को, देन इट इज गोइंग टू बी क्लच गॉड। स्पॉट कर चुके हैं, रैंडम स्प्रेस को लॉक किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6x स्कोप एक बार लगा रहे हैं। उनके पास DP28 भले ही है, लेकिन इस रेंज पे DP28 का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। क्लच गॉड अकेले बचे हैं, कोशिश करेंगे नॉट योर वर्ड रिवाइव करने की, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा है। स्पेयर के ऊपर रैंडम स्पेस दिए जा रहे हैं, थोड़े से क्लच कनेक्ट हो चुके हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी